हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर सुधा मैम। आज मैं आप लोगों को टाइम के बारे में कुछ नए तरीके से इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगी। और ठीक है कि आज के युग में जो है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, और जैसे कि लोग जनरली बोल देते हैं ना कि 1 o'clock है, 2 o'clock है, या फिर 2:30 है, 2:15 है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से कैसे बोला जाए और कैसे लिखा जाए आज मैं आप लोगों को ये बता देखूँ। जैसे ओ क्लाक डायरेक्ट जैसे कोई टाइम होता है, जैसे कि ऐसे होता बजे, जैसे कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना देंगे, कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, जनरली जैसे कि कोई एग्जैक्ट टाइम बचता है तो उसके लिए इट इज बस जो टाइम है आपका 1, 2, 3 जितने भी आपके टाइम है फिर ओ क्लाक ऐसे आपका ये स्ट्रक्चर है। कोई इसमें स्ट्रक्चर बनाने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बताया। जैसे कि 1 बजे है, बजे है, इट्स या इट इज बोलते हैं, दोनों भी बोल सकते हैं। इट इज 1 o'clock, इट इज 1 o'clock, 1 बजे। इसी तरह से आपके 2 बजे हैं तो इट्स भी लिख सकते हैं, इट्स 2 o'clock या 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोगों को ये वॉच में तो दिख ही रहा है, क्लॉक आगे लगा हुआ है। इस्त्री होगा। इसी तरह से ये तो आपका बजने का होगा, इसी तरह से आप 12 o'clock, 9 o'clock, इसी तरह से सारे क्लॉक को आप देख सकते हैं। यानी आप हिंदी में देखिए, जैसे कि 1 बजे देखिए आप, यहाँ भी आपका ये 2 बजे है। इसी तरह से आपके जितने भी आपके एग्जैक्ट टाइम बचते हैं उसके लिए हम चीजों का यूज करते हैं। इसी तरह से आपको हम बता रहे हैं हाफ पास्ट। हाफ पास्ट का मतलब आधा होता है, यानी 30 मिनट। जैसे आप बोलते हैं ना 1:30 हो रहा है, तो इसको अच्छे से बोलने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं हाफ पास्ट। हाफ पास्ट बस जितना भी आपका जो समय हुआ यहाँ पे जो टाइम है आप यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी है आपका ऐसे यूज हो जाता है। जैसे कहेंगे ना कि आप 9:30 हैं, इसको आप हिंदी में 9:30 भी बोलते हैं, या फिर 9:30 हो रहा है इसको बोलेंगे इट्स 9:30। चाहे इस तरह से आप बोल सकते हैं जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, इट्स 1:30। इसका क्या मतलब है आपका 1:30 बजे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं 1:30 बजे। देखिए आपका ये दूसरा सेंटेंस है, इट्स 1:30, 2 यानी 2:30 बजे। इस तरह से आपका ये इट्स 1:30, 3 यानी 3 बजे। इसी तरह से आपका 1:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:12 आपको यहाँ पे क्लॉक में नजर आ रहा होगा। ये तो हो गए आपके आधा। आप तो सोच रहे होंगे कि मैम इसमें सवा को क्या बोलते हैं, यानी 15 मिनट जब अधिक होता है समय उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आज में उसको भी बता दे रही हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। इसको क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर पास्ट। अभी देखिए आपका एक क्वार्टर पास्ट में बता रहे, क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है 15 मिनट अधिक। जैसे कि कोई चीज 9:15 9:15 इसके लिए हम क्वार्टर पास्ट का यूज करते हैं। इसके यूज करते हैं क्वार्टर पास्ट। अब देखिए आपका ये इट, फिर इट्स, इट इज भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे आपका लिखना है क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट। अब यहाँ पे जो आपका टाइम है एग्जैक्ट टाइम, जैसे जो बोलते हैं 1:15, 1:15 या 3:15 या 4:15 या 5:15 जो भी है, यहाँ पे आपका ये
बोलो कुछ नहीं, ऐसे भी आप दिख भी सकते हैं, इसको देख के भी बोल सकते हैं। इट्स क्वार्टर पास्ट सिक्स, यानी क्या 6:15। ऐसे भी बोल सकते हैं, इससे कोई टेंस नहीं बिलोंग करता है, ऐसे ही आप बोलते हैं। वे ने का मतलब थोड़ी ना किसी टेंस है। इस क्वार्टर पास्ट फाइव, यानी 5:15, यानी ये देखिए तीसरा है आपका, इट्स क्वार्टर पास्ट सिक्स, सॉरी सिक्स तो मैंने लिखा सेवन, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप पूरा लिख सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये 15 मिनट जब कम होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो 15 मिनट कम के लिए क्वार्टर टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर टू। यही बात का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, क्वार्टर टू। क्वार्टर टू को मतलब पौने बोलते हैं हिंदी में, पौने का मतलब होता है 15 मिनट कम। यहाँ पे आप देखिए जैसे किसी चीज में 15 मिनट किसी भी समय में 15 मिनट कम है बजने में, अभी जैसे कहते हैं कि 1 बजने में 15 मिनट कम होता है, 1 बजने में 15 मिनट कम, यानी 15 मिनट कम है, तो आपको क्या लिखना होगा? इट इज या इट्स, मेरे रूम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वार्टर टू और यहाँ पे वन, यानी क्वार्टर टू वन। आप एग्जैक्ट ऐसे बोलने में भी बोल सकते हैं, जब भी पूछना है तो क्वार्टर टू वन, लेकिन अगर किसी चीज को अच्छे से लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं सब पहला। इट इज क्वार्टर टू वन, यानी 1:15। आपका दूसरा जैसे कहेंगे कि 3:15 कम है, क्या हो सकता है? इट्स क्वार्टर टू थ्री, क्या हो सकता है? क्वार्टर टू थ्री, या किसी तरह से आपका क्वार्टर टू फोर हो सकता है, क्वार्टर टू फाइव हो सकता है, क्वार्टर टू सिक्स हो सकता है। अगर आपको समझ में आए तो क्वार्टर टू याद कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद से ये 3, 4, 5, 6 आप समझते जाएंगे कि यहाँ पर क्वार्टर टू का मतलब कौन से होता है। अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपके दिमाग में भी तो चल रहा होगा कि ये 5:05 हो गया तो क्या बोलेंगे। अभी तो आपने क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट के बारे में बताया, लेकिन मैम आपने ये लिख रहा है तो ये आप गलत करनी मत चाहिए। मैं आपको यहाँ पे उसका भी यूज बता दी, कैसे उसको यूज करते हैं। जैसे जब कोई चीज बच के अधिक होता है, 10 मिनट अधिक होता है, तो उसको हम आगे बस पास्ट लिख देते हैं। जैसे कि जैसे कोई मिनट है, जैसे यहाँ पे मिनट है आपका, मिनट बोलेंगे तो नहीं, जितने भी मिनट आपके पास्ट होते हैं ये ऐसे लिख देते हैं। जैसे कि 10 पास्ट हो गए, 5 गुजर गए, 3 गुजर गए, 2 गुजर गए, तो यानी यहाँ पर पास्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 पास्ट। इन्हें मिनट नहीं बोलेंगे, बस आपको मैंने बताया यहाँ पे कैसे इसको यूज करते हैं। 10 पास्ट, पास्ट के बाद ये लिखिए आपका वन, जो असली एग्जैक्ट टाइम है इसको वहाँ पे लिखेंगे। अब आप देखिए जैसे कहेंगे ना 3:10 तो क्या हो सकता है? इट्स 10:03। ना ज्यादा समझ में आए तो 10:03, यानी ऐसे समझिए 3:10। इसी तरह से आपका हो गया 10:04, यानी 4:10। इसी तरह से आपका होगा 10:05, यानी 5:10। समझ में आया होगा? फिर जैसे मान लीजिए आप ये भी तो बोल सकते हैं कि 5:05
5:05 क्या हो सकता है? इट्स लाइक दिस, 5:05 यानी 5:05 इस तरह से आपको समझ में आएगा। इसी तरह से मान लीजिए 5:03 हो गए हैं तो 3:05 क्या बोलेंगे? 3:05 तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि टाइम को इंग्लिश में कैसे कैसे बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो कि इसका मैं इंग्लिस ही मिस किया होगी कि पहले ही 9 बज गए हैं, पहले ही 8 बज गए हैं, तो पहले ही 7 बज गया। इसको इंग्लिश में आपको बोलने के लिए आप ऑलरेडी का यूज करते हैं। जैसे आप बोलेंगे पहले ही मीनिंग होती है ऑलरेडी, तो इसके लिए जैसे कि कहते हैं पहले ही बस। अब जैसे कोई किसी भी सेंटेंस में लिख सकते हैं इट्स लाइक दिस ऑलरेडी 9:00 क्या मतलब पहले ही 9 बज गए हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि पहले ही 8 बज गए हैं, क्या बोल सकते हैं? इट्स ऑलरेडी 8:00। इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि इट्स ऑलरेडी 7:00, ये तो हो गया आपका ऑलरेडी। अगर ऐसे बोलते हैं ना कि कोई काम होने वाला होता है तो बोलते हो कि अरे यार अब तो 9 बजने ही वाले हैं, 8 बजने ही वाले हैं, 7 बजने ही वाले हैं। तो इसके लिए एग्जैक्ट हम ऑलमोस्ट का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं ऑलमोस्ट, बजने ही वाले। जैसे आप बोलते हो इट्स ऑलमोस्ट 8:00, क्या मतलब 8 बजने ही वाले। जैसे आप बोलते हो कि 5 बजने ही वाले हैं तब क्या बोल सकते हो? इट्स ऑलमोस्ट 5:00। बस आपको ये वीडियो समझ में, ये मतलब ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे कि इसमें पहले ही के लिए ऑलरेडी का यूज किया है मैंने और यहाँ पे बजने ही वाले यानी वो होने ही वाला है जस्ट, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट का यूज किया है मैंने। आपको ये ऑलरेडी और ऑलमोस्ट का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम आपका ये टाइम से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस थे और जो भी बोलना था आज ये वीडियो में, फिर मिलते हैं।